और चलिए अब आगे बढ़ेंगे ग्राउंड जीरो में। सबसे पहले बात ग्वालियर की। ग्वालियर में फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी के जांच के बाद 16 संस्थानों को नोटिस जारी हुआ है। खास बात यह है कि इनमें 13 संस्थान सरकारी हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात, ये भी जानेंगे। उधर अंबिकापुर में गौरव पथ रोड पर बस स्टैंड है, बावजूद इसके सड़क किनारे बस खड़ी की जाती है, इससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। सवाल है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती। ग्राउंड जीरो में समझेंगे इसे और जिम्मेदारों से सवाल भी पूछेंगे। सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील कौशिक हैं ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं श्रवण महंत हैं अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो विस्तार से जानकारी इन दोनों ही मामलों में देंगे। पर विस्तार से हम पहले खबर का जिक्र करते हैं। खबर का ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर के आईसीयू में आगजनी के बाद देर से ही सही प्रशासन हरकत में आया। घटना के बाद बनी फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी ने सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में फायर सेफ्टी के हालात की जांच की और इसी दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। इसके बाद 16 संस्थाओं को फायर सेफ्टी और फायर एनओसी ना होने पर नोटिस जारी किया। गौर करने वाली बात यह है कि जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया उनमें 13 संस्थान सरकारी हैं। सभी संस्थानों को फायर सेफ्टी नियमों के पालन के साथ ही एनओसी लेने के निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर शहर में अभी भी 3000 से ज्यादा ऐसे संस्थान और दफ्तर हैं जिन्होंने फायर सेफ्टी सिस्टम की एनओसी नहीं ली है। नगर निगम का कहना है कि नियमों को सख्ती से पालन कराया जाएगा। ये घटना जो ट्रामा सेंटर में हुई उससे तो अच्छा लगा है। इससे पहले से अपन नगर निगम या कोई भी प्रशासन इसके लिए आगे बढ़े और बड़ी घटना होने से बचाए। मैं तो यही चाहता हूँ मॉल हो, कोई भी मतलब सामाजिक स्थल हो, उस पर आग बुझाने के लिए व्यवस्था की जाए। हम बस यही कहना चाहते हैं प्रशासन को, अपने को अपने ये है कोई भी कार्रवाई करने में बहुत टाइम लेती है, जबकि इन चीज़ों पर कार्रवाई पहले ही होनी चाहिए। पहले ही ये ध्यान रखना चाहिए कि मतलब यहाँ पे जो आग बुझाने के संसाधन पहले से ही प्रबंध होना चाहिए इन चीज़ों का। अब गवर्नमेंट ही इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेगी तो प्राइवेट सेक्टर कैसे ध्यान रखेंगे, वो तो उनको वैसे ही छूट मिलेगी। गवर्नमेंट को पहले से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और ये बहुत गंभीर बात है। इतने पेशेंट्स वगैरह और इन लोगों का क्या होगा, ये प्रशासन को समझना चाहिए ये चीज़। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आगजनी की घटना के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। ग्वालियर में अब सेफ्टी ऑडिट कमेटी का गठन किया गया है जो फायर सेफ्टी का ऑडिट करेगी और इसी कमेटी ने ग्वालियर शहर के 16 संस्थानों का निरीक्षण कर उनमें फायर सेफ्टी सिस्टम ना पाए जाने के चलते उनको नोटिस जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 16 संस्थानों में 13 संस्थान सरकारी दफ्तर है। ये ग्वालियर का राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान है जहाँ पर राज्य स्तर के कार्यक्रम आयोजित होते हैं या कई ट्रेनिंग्स होती है। इसके अलावा और कई बड़े बड़े आयोजन यहाँ होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन 13 जो संस्थान है सरकारी, इनमें भी फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है। आपको अंदर दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा हॉल है। यहाँ से अगर आगे चलेंगे तो ये आप देखिए कंप्यूटर लैब है। इसके अलावा पूरा ये परिसर है जहाँ कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ ट्रेनिंग और क्लासेस भी संचालित होती है, लेकिन इस पूरे संस्थान के अंदर कहीं पर भी फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगे हुए हैं, आग बुझाने के संसाधन नहीं है। और इसी तरह से सिर्फ राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान ही नहीं बल्कि आकाशवाणी, आयकर, जीएसटी भवन सहित करीब 13 सरकारी दफ्तर ऐसे हैं कि जहां पर आग बुझाने के संसाधन ही नहीं है, तो समझा जा सकता है कि हालात किस तरह के। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एक्सपायर एनओसी पर फायर सेफ्टी व्यवस्था चल रही है और कहीं पर सिस्टम ही नहीं है, आखिर आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो क्या क्या खामियां नजर आई और जिम्मेदार आखिर क्या कहते हैं, और एनओसी जो एक्सपायर हुई है वो कब से इसी तरह चल रही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ट्रॉमा सेंटर में आग लगी थी, उस आगजनी की घटना के बाद शिफ्टिंग के दौरान 3 मरीजों की मौत हुई थी और इस घटना के बाद हड़कंप मचा तो एक बार फिर से फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला लिया गया, आदेश जारी हुआ। बकायदा अब फायर सेफ्टी कमेटी बनाई गई है जो इन संस्थानों का निरीक्षण कर रही, ग्वालियर शहर के निजी और सरकारी संस्थानों का, और जहां
फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है वहाँ, उनको नोटिस जारी कर ताकीद किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर शहर में अधिकांश सरकारी दफ्तर ऐसे हैं कि जहाँ आग बुझाने के संसाधन नहीं है, फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, ना उनके पास NOC है। और यही वजह है कि ऐसे 13 संस्थान सरकारी जिनको कल ही नोटिस जारी किया गया है फायर सेफ्टी कमेटी के द्वारा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जागरूक लोग, उनसे जानते हैं कि शहर में आगजनी की घटना के बाद ऐसे हालात बनते हैं। आप ही बताइए कि आगजनी की घटना के बाद ऐसे हालात बनते हैं, फिर जांच और फिर कार्रवाई और फिर एक्शन कितना कारगर रहता है? देखो, दुर्भाग्य ग्वालियर का कि जब जब बड़ी घटनाएं होती हैं तभी प्रशासन जागता है, उससे पहले कभी जागता नहीं है। अभी हाल ही में जिस प्रकार से जे हॉस्पिटल के अंदर, एक ग्वालियर का सबसे व्यापक सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ पर दो लोग एक्सपायर हुए और दो लोग और घायल हैं, और उसके बाद जब अरगम में आया, अभी क्या क्या कारण रहा कि यहाँ पर पूरे चंबल संभाग के बच्चे लोग स्वास्थ्य संस्थान में ट्रेनिंग करने आते हैं, लेकिन वहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पे है ना फायर सेफ्टी का कोई उपकरण वहाँ पे नहीं लगा हुआ है। देख लीजिए, GST कार्यालय है वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, तमाम सारे संस्थान हैं। जैसे जिस प्रकार से अभी प्रशासन के द्वारा 16 लोगों को नोटिस दिए गए, उसमें 13 शासकीय संस्थान हैं और 3 प्राइवेट हैं, तो दुर्भाग्य उन पे आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्या कारण रहा, ये दुर्भाग्य की बात है। और ये इस प्रकार से जिन लोगों ने, कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने ये लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्या सोचते हैं सर आप, लगता है कि शहर सुरक्षित है आगजनी की घटनाओं के दौरान? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जब आग लगती है तब प्रशासन जागृत होता है, फिर 4 दिन बाद सभी की वही स्थिति आ जाती है। कोई भी ऑफिसों में जाके देख लो, अगर फायर सिस्टम तो है ही नहीं, अगर है तो पुराने लगे जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, नाम के लिए एक डिब्बा लगा दिया है जो फायर आग बुझाने के काम में आता है। जब कोई घटना घटती है तो प्रशासन चालू हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, 4 दिन बाद सब बैंक में रफा दफा हो जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। जब सरकारी दफ्तरों में नहीं है तो नहीं, जब सरकारी दफ्तरों में नहीं, प्राइवेट की तो और ही स्थिति खराब है। जब सरकारी की स्थिति ये है तो प्राइवेट की क्या होगी? कब जागता है? बस जिस दिन आग लग जाएगी, 4 दिन फिर प्रशासन जागेगा, सब जगह चेकिंग होगी, कुछ नहीं होगा, 4 दिन में बैंक वहीं ठप, कुछ नहीं होता। तो निश्चित तौर पर जागरूक लोगों का कहना है कि प्रशासन जब भी आगजनी की बड़ी घटना होती है उसके बाद जागता है, उसके बाद कार्रवाई होती है, जांच होती है, कमेटियां बनती है, फायर सेफ्टी ऑडिट होता है, लेकिन अभी भी अधिकांश सरकारी दफ्तरों में NOC नहीं है। जांच पड़ताल की बात बाद में की जाती है जब बड़ा कोई हादसा हो जाता है और कई लोगों की जान पर बन आती है या जाने चली जाती हैं। सरकारी दफ्तरों की बात हो, बैंक की बात हो, स्कूल्स की बात हो, अस्पतालों की बात हो, साहब सब जगह पर सिस्टम बदहाल नजर आ रहा है। आपने जिम्मेदारों से भी बात की होगी, क्या आखिर कहना है? आश्वासन तो हर बार दिया जाता है, कहा जाता है कि अब जांच होगी, जांच का विषय है, ये सालों से चला आ रहा है, आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? बिल्कुल सही बात। देखिए, इस मसले को लेकर जब न्यूज़ 18 ने महापौर से बात की तो महापौर का ये कहना था कि इस बार ठोस कार्रवाई होगी और आगे आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के लिए सभी संस्थाओं का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है और सख्ती से जिनके पास संसाधन नहीं है उनको संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ताकीद किया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा, उसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से अगर आप देखें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के हालात ये है कि शहर में 3000 से ज्यादा ऐसे संस्थान हैं जिनमें सरकारी है सबसे ज्यादा, उनके पास फायर सेफ्टी NOC नहीं है, उन्होंने NOC तक नहीं ली, ऐसे दफ्तर चल रहे हैं। आयकर भवन की बात करें, GST की बात करें, आकाशवाणी की बात करें, या कई ऐसे बैंक हैं कि जिनके पास आग बुझाने के संसाधन नहीं है, अगर इनमें आगजनी की घटनाएं होती है तो निश्चित तौर पर बड़े हादसे होंगे और उसको संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो यकीनन कहीं ना कहीं इस बार दावा तो फिर प्रशासन और जो प्रतिनिधि वो कर रहे हैं कि ठोस कार्रवाई होगी ताकि आगे आगजनी की घटनाओं के दौरान इस तरह के हादसों को रोका जा सके। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। अंबिकापुर का जिक्र करते हैं, यहां पर गौरव पथ रोड अवैध पार्किंग का अड्डा बना हुआ है, सड़क पर बेतरतीब बसों को खड़ा किया जाता है और इसी वजह से आए दिन यहां जाम लगता है। गौरव पथ रोड पर प्रतीक्षा बस स्टैंड भी है लेकिन बस संचालक बसों को स्टैंड में ले जाने की बजाय सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं, आने जाने में लोगों को परेशानियां होती हैं। बावजूद इसके ट्रैफिक पुलिस अवैध पार्किंग को लेकर कार्रवाई नहीं करती, हालांकि पूछे जाने पर ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अवैध पार्किंग पर कार्रवाई होती है।
हमारे तरफ से प्रयास रहता है कि चालान कार्रवाई करके उन लोगों को हटाया जाए, हटाने की पूरी कोशिश रहती है। चालान कार्रवाई करते जा रहे हैं निरंतर, आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे सर के निर्देश पर, और वाहनों को हटाने का प्रयास किया जाएगा। गौरवपथ में देखे भैया, यहाँ पे बस स्टैंड बना हुआ है, लोग बस स्टैंड के अंदर गाड़ी न रखते हुए, गाड़ी बस स्टैंड के बाहर बसें लगी हुई हैं, लाइन से 15-20 बसें खड़ी रहती हैं। आम जनता यहाँ से निकलती है, छोटे बच्चे निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, कोई भी निकलता है। गाड़ी यहाँ से निकलना, बहुत सामान्य गाड़ियों को निकलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आधा रास्ता, आधे से ज़्यादा रास्ता ये पूरी बड़ी बड़ी बसें जो खड़ी रहती हैं वो छेक के वो खड़े हो जाते हैं, तो सामान्य आदमी तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसकी वजह से लोग रॉन्ग साइड से आना शुरू कर देते हैं, रॉन्ग साइड से आने पे एक्सीडेंट होता है। मैं अंबिकापुर के गौरव पथ में इस वक्त मौजूद हूं और इस गौरव पथ का आपको नज़ारा दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर बसें जो हैं अवैध तरीके से यहां पर खड़ी कर दी जाती हैं। आप दूर तक आप देखेंगे तो यहां से आपको एक तरफ जो है बस का अवैध पार्किंग नज़र आएगा, और यही वजह है कि यहां जब जो बसें निकलती है उसको जाम का झेलना पड़ता है, और जो राहगीर रहते हैं उनको भी इस जाम से परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब आप देखिए कि ये मैं गौरव पथ में हूँ और इसकी वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति अभी बन गई है, जो बसें रुक गई है, जो राहगीर हैं वो रुक गए हैं, और इसका मुख्य वजह है कि यहाँ पर जो अवैध तरीके से जो बस खड़ी रहती हैं। ये गौरव पथ है और चूँकि यहाँ पर बस स्टैंड है, और बस स्टैंड के वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार बसों का आना जाना रहता है। इसके साथ साथ जो यात्री हैं वो अपने अपने वाहन से आते हैं, और राहगीर जो है यहाँ पर इन बसों के चक्कर में फंस जाते हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और इसकी ये वजह है अवैध पार्किंग, जो बसें यहाँ पे खड़ी रहती हैं। दूसरी तरफ यातायात पुलिस की अगर बात करें तो इसके लेकर किसी तरह का पहल नहीं करता है, वो हादसों का इंतजार कर रहा है। अगर इसी तरह का आप देखिए, ये जो बसें खड़ी हैं अगर इसको देखेंगे तो पूरी तरीके से ये जो गौरव पथ है वहाँ पर जो है बसें जो है खड़ी रहती हैं। इसको यातायात विभाग किसी तरह का इसको हटाने का भी प्रयास नहीं करता है, जिसकी वजह से आप देखिए जाम की स्थिति बन गई है। ऑटो वाले जो अभी जा रहे हैं वो भी अभी जाम की स्थिति में फंस जाते हैं। जानकारी लेंगे सहयोगी श्रवण कुमार महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, जब निर्धारित है जगह बस पार्किंग की तो आखिर मनमानी यहां पर बस संचालकों की क्यों देखी जा रही है? और जो साहब बात कर रहे थे कि कार्रवाई समय समय पर होती है, अगर कार्रवाई होती तो शायद इतनी लंबी कतार हम बस की देखते ही नहीं, मनमानी करते ही नहीं बस संचालक। जी बिल्कुल, अब मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ और बस संचालकों की मनमानी का एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, मैं गौरव पथ में हूँ और ये उस तरफ देखिए जो पूरी जो बसें हैं वो लाइन से खड़ी हैं, और यही वजह है कि जाम की स्थिति रोजाना बनता है, और लोगों को जो यहाँ के राहगीर गुजरने वाले जो लोग रहते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब जाम की स्थिति होती है तो जो राहगीर हैं वो रॉन्ग साइड में चले जाते हैं, और इसकी वजह से आए दिन हादसा होता है। और ये जो बस संचालकों की मनमानी है, वो बस को अपने बस स्टैंड में ना रख करके रोड में ही खड़े कर देते हैं। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उन्हीं से हम जानेंगे कि भैया ये बताइए कि कितना परेशानी होता है, किस तरह का दिक्कत होता है ये जो बसें खड़ी रहते हैं यहाँ पे। गौरव, देखिए यहाँ पर आज सालों से यही स्थिति बनी हुई है, जब से यहाँ पर नया बस स्टैंड बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी आधा रोड जो है हमारा कवर हो चुका है। रोड कवर होने के कारण आने जाने वाले लोग को हर समय दुर्घटना होने की संभावना बने रहती है, और वो भी छोटे मोटे दुर्घटना नहीं, बड़े बड़े दुर्घटना यहाँ पर होते रहते हैं, आए दिन दुर्घटना होते भी हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती, मैं किसी की नहीं बोलूंगा, प्रशासन की चूक है। प्रशासन को यहाँ पर काम करना चाहिए, यहाँ पर प्रशासन हमारा सुस्त लगता है, प्रशासन सोया हुआ है। जब तक यहाँ पर प्रशासन चुस्ती से काम नहीं करेगा तब तक यही स्थिति यहाँ पर बने रहेगी। और अभी कुछ लोग उनसे बात करते हैं, भैया कितना दिक्कत होता है आप ही बताइए, रोज आना जाना करते हैं। देखिए पहली बात तो ये अंबिकापुर एक बड़ा शहर है, हर तरीके के लोग आते हैं, हमेशा आना जाना लगा रहता है, और आप समझिए कि बस से पूरा इसको घेर दिया गया है दोनों तरफ, जो कहीं ना कहीं नियम के खिलाफ है। उसके बाद भी अगर प्रशासन को नहीं दिख रहा है तो ये दुख की बात है। और एक बात और बता दूं, यहाँ कई जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद, यहाँ सब मंत्री भी हैं, सबको ही देख रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये बस खड़ा है तो मैं इसमें प्रशासन की भी और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी कमी मानूंगा। वो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना की फिर शायद इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई बड़ी दुर्घटना होगी तब हम इसको करेंगे। बस स्टैंड अंदर है, बस को वहाँ खड़ा करना चाहिए, क्या लगता है कि बस संचालकों की भी है दिक्कत? नहीं देखिए, बस संचालक अगर खड़ा कर रहे हैं, अगर प्रशासन नहीं चाहेगा तो मुझे नहीं लगता एक सेकंड खड़ा होगा। एक छोटा व्यक्ति अगर नियम के खिलाफ अपना बाइक भी कहीं खड़ा कर देगा तो उसके बाइक को उठा के ले जाया जाएगा, तो फिर इनके साथ क्यों इनको लाभ दिया जा रहा है? तो मैं तो प्रशासन को गलती मानता हूँ, एक मिनट में हट सकता है, और जनप्रतिनिधियों को इसको हटाना चाहिए।
क्योंकि बड़ा दुर्घटना मत हो हमारे शहर में, हम सब अंबिकापुर में रहते हैं, हम हमारे माया की नगरी में ऐसा कभी कुछ ना हो। लगातार हम इसको देख रहे हैं, खड़ा होते हुए आपके न्यूज के माध्यम से भी हम देखते हैं, चलते रहता है, तो आज तक क्यों नहीं हुआ? हमको अगर आम पब्लिक को इसके लिए जन आंदोलन अगर बसों के लिए करना पड़ जाएगा तो ये दुख की बात होगी। यहाँ पे एक और भी शख्स हैं जो रोज आना जाना करते हैं, क्या लगता है यातायात पुलिस नहीं कुछ कर पा रही है यहाँ? इसमें यातायात पुलिस की पूरी नाकामयाबी साबित होती है, क्यों? चूंकि ये अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, यहाँ पर सैकड़ों लोगों को आना जाना रहता है, बहुत बड़ा बस स्टैंड अंतर्राज्यीय जिसे कहा जाता है। अब एक और जो होता है, एक और पूरी तरह से बसें पूरा घेर लिए हैं, हमें आने जाने में पूरी तरह से परेशानी होती है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और छूटपुट तो रोज ही होती हैं, बड़ी दुर्घटनाएं होने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। सिर्फ एक ही सड़क है जिस ओर की हम आ जा सकते हैं, विपरीत ओर तो पूरी तरह से अघोषित रूप से उनको खड़ा कर दिया गया है। अब इसमें हम चूक मानेंगे तो चूक तो देखिए संचालक बस संचालकों की भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं पुलिस सहायता केंद्र यहाँ पर स्थापित है जो कि बस स्टैंड में ही है, लेकिन वो पता नहीं क्या सहायता है, वो क्या सभी सहायता करते हैं। अगर हम अभी बाइक वगैरह को या कोई छोटी वाहन को खड़ा कर दें नो पार्किंग जोन में तो तत्काल हमें चालान काट दिया जाएगा, और जो बड़े बस हैं, बड़े संचालकों के जो बस हैं वो खड़े रहें नो पार्किंग जोन में और बीच सड़क पर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आए दिन दुर्घटनाएं यहाँ पर संभावना बनी रहती हैं और होती भी रहती हैं। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दें और बसों को जो इनकी जगह है जहाँ इनको खड़ा करने का दिया गया परमिशन वहाँ खड़ा किया जाए। एक बहुत बड़ा यहाँ पे और चीज है, यहाँ पे एक स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ की लड़कियाँ आती जाती हैं, छात्र को देखते हुए क्या लगता है कि ऐसा खड़ी होनी चाहिए बसें? देखिए मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बस खड़ी है आए दिन, अब प्रशासन यहाँ का ये चाह रहा है कि कुछ दिन में यहाँ पर बड़ा दुर्घटना हो जाए किसी छात्रा के साथ, तब इनको इनके कान में जू रेगेगी, तब इन्हें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर अब बड़े बस खड़ी होती थी और बस के कारण आधे से ज्यादा रोड हमारा कवर रहता था और आने जाने में भी दिक्कत होती है। अभी आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर बस ऐसे उल्टा खड़ी हुई है, ये बस इस साइड से आई है, उल्टे साइड से बस आई है, ऐसे में कोई उधर से आ जाए और बड़ा दुर्घटना हो जाए इसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेती है क्या? उसके जो यहाँ पर दूर दूर से भी बच्चे आते हैं यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने, दूर दूर इलाके के भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ यहाँ कुछ हो जाए कौन जान रहा है? तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से अवैध पार्किंग से लोग परेशान हैं और बस संचालक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पर कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही ग्राउंड जीरो में आज के लिए इतना ही।